बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इस शर्ट की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। डिज़ाइनिंग के लिए हमने शर्ट पर प्रेसिंग से कुछ निशान लगाए हैं और जो हमने लेंथ में निशान रखा है वो हमारा 19 इंच और जो हमने साइड से चौड़ाई में रखा है वो हमारा 6 इंच है। डिज़ाइनिंग हमने शर्ट की साइड पर करनी है, जहाँ पर हमने प्रेसिंग का निशान लगाया है इस दोनों साइड पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए पहले हम कपड़े पर बारीक पेपर बुकरम को प्रेस करेंगे। पेपर बुकरम प्रेस करने के बाद हमने इस पर कुछ इस तरह से प्रेसिंग की मदद से निशान लगाए हैं और इन निशान पर अब हम धागे की मदद से कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए जो पहले हमने पहला निशान लगाया है उस पर इस तरह से पहले हम सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई लगाते हुए हम नीचे से अपने बॉक्स को कवर कर सकें। इसी तरह से यहाँ से हम फिर से सिलाई को फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से पहले हम नीचे की साइड से बॉक्स को कवर करेंगे। बॉक्स को कवर करने के बाद हम तमाम निशान पर इसी तरह से पहले डिज़ाइनिंग करेंगे और ये डिज़ाइनिंग हम दोनों साइड पर करेंगे। इसी तरह से हमने जितने भी निशान लगाए हैं इन तमाम निशान पर पहले हम धागे की मदद से इसी तरह से सेम डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोनों साइड पर डिज़ाइनिंग करने के बाद अब हमने सेंटर पर जो हमारे पास सेंटर का कपड़ा है यहाँ पर भी हम लेस की मदद से डिज़ाइनिंग करेंगे और यहाँ पर डिज़ाइनिंग हम नीचे तक जहाँ पर हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है वहाँ तक हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हम एक बारीक लेस और कपड़े की पट्टी को यूज़ करेंगे। कपड़े की पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद इस तरह से जो हमने निशान लगाया था जहाँ तक हमने धागे की डिज़ाइनिंग की थी वहीं से हम इस तरह से लेस को रखते हुए और ऊपर कपड़े की पट्टी को रखते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से एक साइड से दूसरी साइड तक हम तमाम शर्ट पर पहले लेस और कपड़े की पट्टी की मदद से डिज़ाइनिंग करेंगे। जैसे हमने इस साइड पर लेस लगाई है सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी लेस लगाएंगे। दोनों साइड पर सेम इसी तरह से लेस लगाने के बाद अब हम शर्ट पर नेक डिज़ाइनिंग करेंगे। नेक डिज़ाइनिंग के लिए जितना हमें शर्ट पर गला तैयार चाहिए उतना हम कट कर चुके हैं और सेंटर पर हमने पेपर पट्टी को प्रेस किया है और इस पेपर पट्टी को हमने सेंटर से कट भी किया है। जहाँ पर हमने पेपर बुकरम को सेंटर से कट किया है वहीं पर हम कपड़े की मदद से शर्ट पर पाइपिंग करेंगे और पाइपिंग करने के बाद हम अपने जो इतना भी हमने गला कट किया है उस गले को हम कंप्लीट करेंगे। सेम इसी तरह से अब हम पट्टी की दूसरी साइड पर भी पाइपिंग करेंगे। और फिर इस पाइपिंग पट्टी को नीचे की साइड पर फोल्ड करते हुए कपड़े की मदद से कवर करेंगे। यहाँ पर हमने एक कपड़े की पट्टी ली है और इस कपड़े की पट्टी को नीचे की साइड पर रखेंगे और पाइपिंग पट्टी को नीचे की साइड पर फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे ताकि हमने सेंटर पर जो पाइपिंग की है उसे हम सेंटर से कवर भी कर सकें। अब हम सेम इस साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने पहले पाइपिंग पट्टी को कवर किया है सेम इसी तरह से इस साइड से भी पाइपिंग पट्टी को कवर करेंगे। अब जितना भी हमने गला तैयार कट किया था यहाँ पर हमने एक कपड़े की मदद से बारीक रेप को तैयार किया है और इस कपड़े की पट्टी को गले पर रखते हुए इस तरह से
सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी पर एक बार फिर से पट्टी को अंदर के साइड पर फोल्ड करेंगे और गले को अच्छे से कवर करने के लिए एक बार फिर से सिलाई लगाएंगे। फ्रंट गला तैयार करने के बाद हम शर्ट का बैक गला, शोल्डर और फिटिंग तैयार करेंगे। अब इस पाइपिंग पट्टी को जो हमने गले पर लगाई है इसको अंदर के साइड पर फोल्ड करेंगे और सुई की मदद से बारीक तुरपाई करेंगे। जहाँ पर हमने सेंटर पर पाइपिंग की है यहाँ पर हम इस तरह से कुछ टसल लगाएंगे और इसके बाद फिटिंग शोल्डर तैयार करेंगे और दामन पर नीचे लेस भी लगाएंगे। लेस लगाने के बाद और ये हमारी शर्ट की फाइनल लुक है। गले पर हमने इस तरह से 3 बार टसल लगाए हैं और ये हमारी शर्ट की फाइनल लुक है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।